सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की, प्रातस्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। और इस अनंत चौदस के दिन वासुपूजनाथ भगवान को निर्वाण का लाभ हुआ है और आप लोगों ने सब मिलकर के वासुपूजनाथ भगवान की पूजा के साथ निर्वाण लाडू भी चढ़ाया है। और मैं आप लोगों की ओर से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपने जिस अविनश्वर पद को प्राप्त कर लिया है उस पद को प्राप्त करने के लिए हम सभी लोग प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वह शीघ्रातिशीघ्र अवसर प्राप्त हो, क्योंकि संसार में चाहे वह इंद्र हो, चाहे अहमिंद्र हो, चाहे वह चक्री हो, कोई भी हो, बड़े बड़े पद को प्राप्त किए हैं और उस पद का आनंद लुटाया है, लेकिन वह पद सारे के सारे नश्वर पद है। अविनश्वर पद को प्राप्त करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, क्योंकि आप लोग अष्ट मंगल द्रव्य के माध्यम से प्रभु की अर्चना करते हैं, उसमें बोलते हैं कि मोक्ष फल प्राप्तये फलम। मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए आप फल चढ़ाते हैं, किंतु वह मोक्ष पद मिलना बहुत कठिन है बंधु, उसका वर्णन करना भी कठिन है, किंतु उसको प्राप्त करना इतना सरल नहीं, क्योंकि सरलता अपने जीवन में जब तक नहीं आएगी तो वह मोक्ष पद सरलता से हम प्राप्त नहीं कर पाते। भले ही कठिनाई से प्राप्त हो, किंतु हो तो नहीं हो पा रहा है। इससे स्पष्ट है हमारा जो उपयोग है, हमारा जो मन है, अपने अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं वो लक्ष्य तक पहुंचाने वाले विचार नहीं हो पाते। अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो विचार, उज्जवल विचार जो होते हैं, वह विरल ही व्यक्ति के मन में विचार उत्पन्न होते हैं। 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें 5 बाल यति के रूप में हुए हैं, और इस 3 लोक की संपदा उन्हें जो मिली थी, उन्होंने कोई दुकान नहीं खोली, उन्होंने कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं किया, बहुत बड़ी फैक्ट्री खोली हो ऐसा भी नहीं है, किंतु वो सारा सारा वैभव उन्हें जो प्राप्त हुआ है वह अतीत की साधना का परिणाम है। त्याग के बिना वह वैभव प्राप्त नहीं हो सकता। आगम का भी उल्लेख है, वह उल्लेख ये है कि जो ही भव्य मुमुक्षु जीव
संयम को अंगीकार करता है तब से सात से पुण्य का अर्जन व प्रतिपल करता रहता है। पुण्यार्जन करने के दृष्टि से साधना नहीं की जाती है, बड़े बड़े पदों की उपलब्धि के लिए साधना नहीं की जाती है। साधना तो मात्र उस मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए अथवा समस्त कर्मों को क्षय करने के दृष्टि से ही साधना की जाती है और फल स्वरूप व सासे पुण्य का अर्जन ऑटोमेटिक हो जाता है। होना और करना बड़ा अंतर है। पुण्यार्जन करने के दृष्टि से साधना नहीं की जाती है बल्कि संसार के विच्छेद के लिए साधना की जाती है और उन पांचों बाल यतियों ने साधना की और फलस्वरूप उन्हें निर्वाण का लाभ हुआ है और उसकी सूक्ष्मतम व्याख्या भी आगमकारों ने की है। किंतु शील का अर्थ होता है शीलम विषय विरागो कहा, पांचों प्रकार के विषयों से विरक्ति लेना, ऊपर उठना, उन पांचों प्रकार के विषयों से प्रभावित नहीं होने रूप जो परिणति है आत्मा की। और इस विषय में, इस प्रसंग में गुरुदेव ने महापुराण आदि जो ग्रंथ हैं, प्रतिमान योग के ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों में 24 तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है और उन 24 तीर्थंकरों के माता पिता का भी वर्णन सर्वांगीण मिलता है और भगवान की माता पिता को लक्ष्य में रख करके गुरुदेव ने जो चिंतन दिया था वह अद्भुत चिंतन था और वह आगम के आधार से उन्होंने चिंतन दिया था। आप लोग भी प्रतिमान योग का स्वाध्याय करते हो लेकिन उस ओर क्यों दृष्टि नहीं जा पा रही है, खेद उत्पन्न होता है और इसलिए होता है कि वर्तमान का ये जो युग है, ये जो संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति में आप लोग जी रहे हैं और वहां की हवा यहां तक पहुंची हुई है। प्रत्येक व्यक्ति उस पाश्चात्य संस्कृति के साथ अपने आप को जोड़ना चाहता है और जोड़ करके वह आनंद का अनुभव करना चाहता है, विषयजन्य सुख को लूटना चाहता है, जबकि वह विषयजन्य सुख अधोगति तक ले जाने में कारण है। इसलिए हमें भगवान की माता पिता की ओर दृष्टि रखनी चाहिए। भगवान की माता पिता के लिए मात्र एक ही संतान हुआ करता है, उनका बहुत छोटा सा परिवार है, एक संतान है और उनका लक्ष्य क्या है उसको भी आपके सामने हम रखना चाहते हैं। गुरुदेव का यह कहना था विवाह बंधन आप गौर करेंगे और उसका दुरुपयोग नहीं करना, क्योंकि शब्दों के माध्यम से दुरुपयोग बहुत जल्दी होता है। गुरुदेव का यह कहना था विवाह बंधन वस्तुतः वह बंधन नहीं, बंधन से मुक्त होने के लिए एकमात्र सहायक तत्व है। इसका अर्थ विवाह का समर्थन नहीं किया जा रहा है, किंतु विवाह का समर्थन नहीं करते हुए भी उस विवाह बंधन को स्वीकार करते हुए भी उद्देश्य क्या है, वह पवित्र उद्देश्य है। किनका? भगवान के माता पिता। उनका इतना पवित्र भाव कि भगवान मैं विवाह संबंध करने जा रहा हूं किंतु मेरा उद्देश्य पवित्रतम उद्देश्य है वह ये है
कि ऐसे एक संतान की उत्पत्ति हो जिसके माध्यम से धर्म की परंपरा अक्षुण बनी रहे। और तीर्थ संचालन करने की क्षमता को लेकर के जो संतान उत्पन्न हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। आज ऐसा कोई व्यक्ति है, हम आलोचना नहीं करना चाहते हैं, किंतु वर्तमान में जो राग की सीमा, चरम सीमा तक वह राग पहुंच चुका है, राग की पूर्ति, वासना की पूर्ति के लिए विवाह का बंधन नहीं होता। विवाह का जो संबंध होता है वह परस्पर में वात्सल्य भाव के साथ। और यह संस्कृति भारतीय संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति मात्र वासना की पूर्ति के लिए वह संबंध रखता है। और हमने सुना था अपने जीवन काल में कितनी बार विवाह का संबंध हुआ है, आप लोग भी जानते होंगे। 80-80, 90-90 साल व्यतीत होने के उपरांत भी शादी की बात करता है कौन? आउट ऑफ कंट्री, भारतीय सभ्यता नहीं है, भारतीय संस्कृति नहीं है। केवल वासना की पूर्ति करने के लिए वह इस प्रकार कर रहा है। एक विद्वान मेरे सामने आए थे, मुक्तागिरी की बात है, उन्होंने ये कहा था कि महाराज बहुत बड़ा खेद का अनुभव होता है। क्यों, क्या बात है महाराज? इस प्रकार की भी चर्चा सुनने को मिलती है। ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे ऐसे कुतर्क करते हैं, उसके लिए कौन समाधान दे सकता है? हमने कहा हमें किसी को समाधान नहीं देना है, हमें स्वयं को समाधान पाना है। उनका ये कहना था कि महाराज 5 इंद्रियों के विषय है। आप ध्यान से सुने, 5 इंद्रियों के विषय हैं और उसमें प्रसंग बना रहे थे वो कि सामने वाला जो तार्किक व्यक्ति है वह ये विषय रखना चाहता है, बल्कि उसकी धारणा पूरी तरह से बनी हुई है। और उनका ये कहना है कि आप बगीचे में से एक सुगंधित फूल को तोड़ते हैं और उस नासा को तृप्त करने के लिए, घ्राणेन्द्रिय का विषय गंध माना जाता है, और उस सुगंधित फूल का वह अनुपान करना चाहता है, सुगंधि लेना चाहता है, और सुगंधि लेकर के एक फूल के माध्यम से उसको तृप्ति नहीं मिलती है और वह 2-5 मिनट के अंदर उस फूल को फेंक करके दूसरे फूल को फिर तोड़ता है। इस प्रकार जीवन भर प्रतिदिन वह कितने फूल तोड़ करके वह सुगंधि का, एक सुगंधि संबंधी जो सुख है उसका अनुभव करता है। तो इसको लेकर के उनका भाव ये था। तो इसी प्रकार जिस प्रकार घ्राणेन्द्र के माध्यम से सुख का अनुभव कर रहा है संसारी प्राणी, इसी प्रकार स्पर्शेंद्रिय संबंधी सुख का अनुभव करने के लिए अनेक विवाह संबंध करने में बाधा क्या है? इस प्रकार उसका तर्क था, क्योंकि वह स्पर्शेंद्रिय का विषय है और ये घ्राणेन्द्रिय का विषय है, अंतर क्या है? विषय तो विषय है, किसी भी इंद्रिय का विषय क्यों ना हो, इस प्रकार उसका तर्क था। ऐसे व्यक्तियों के सामने हम उपदेश देना पसंद नहीं करते हैं, इसको कुतर्क बोलते हैं। सोचो विचार करो, ये भी कोई बात हो गई है? लेकिन है इस प्रकार के
तर्क के साथ जीवन व्यतीत करने वाले दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति होंगे। हम नाम लेना नहीं चाहते, उस प्रकार की परंपरा के अनुरूप चलने वाले उनके धर्मानुयायी बहुत सारे भारतवर्ष में मिल सकते हैं। ध्यान केंद्र खोल करके इस प्रकार उन्होंने एक व्यू रचा था और सारे सारे संसारी प्राणी को आकर्षित करने का उन्होंने एक संकल्प लिया था, किंतु संसार राग के माध्यम से संसारी प्राणी को आकर्षित करना यह प्रभावना नहीं, वीत रागता के माध्यम से रागी को आकर्षित कर लो, मैं मान लो कि सही आप ही प्रभावक व्यक्ति हैं। प्रभावना हर व्यक्ति करना चाहता है, किंतु प्रभावना का स्वरूप क्या है? गुरुदेव का यह कहना है, कई बार उनके मुख से हमने सुना, आप प्रभावना करो अथवा न करो, अपने निमित्त से अप्रभावना न हो, यही सबसे बड़ी प्रभावना है। और तीर्थंकरों ने यही किया, और तीर्थंकर के माता पिता जिन्होंने विवाह संबंध किया है, रामटेक की बात है और गुरुदेव ने यह प्रसंग दिया था, यही प्रसंग रखा था कि देखो तीर्थंकर के माता पिता के लिए एकमात्र संतान हुआ करती है, और उन्होंने संकल्प ये लिया कि भगवान तीर्थ संचालक के रूप में एक संतान उत्पन्न हो जाए, हमें हम तृप्त हो जाएंगे। और जिस दिन संतान की उत्पत्ति हुई, उसी दिन संकल्प लेते हैं भगवान के माता पिता, अखंड आजीवन है ऐसा कोई व्यक्ति, संतान की उत्पत्ति हुई है उसका आनंद मनाना चाहिए था, किंतु अब मेरा लक्ष्य पूर्ण हो चुका है, अब मुझे विशेष सेवन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मात्र विशेष सेवन की उद्देश्य को लेकर के हमने विवाह का संबंध नहीं किया है। इसको बोलते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत, वो अनुवृत्ति हो सकते होते हैं, इसके उपरांत पे सोचो विचार करो, इतना अटूट वैभव मिलने के उपरांत में उसके प्रति उपेक्षा का भाव जागृत होता है, बहुत दुर्लभ चीज है। राग के माध्यम से संसारी प्राणी क्या क्या नहीं कर रहा है, किंतु यह बहुत दुर्लभतम वस्तु है। शीलम विषय विरागु कहा, पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति जो विरक्ति का भाव है वही वस्तुतः शील है, और शील का अर्थ स्वभाव होता है, किंतु वासना के ऊपर नियंत्रण रखना यह बहुत कठिन है। वासना जागृत होती है, मात्र एक इंद्रिय का विषय नहीं है, वो पांचों इंद्रियों के माध्यम से वासना जागृत होती है, ऐसा आगमकारों का कहना है। उन्मूल यत अविश्रांतम, आप सुन रहे हैं, उन्मूल यत अविश्रांतम, उन्मूल यत अविश्रांतम पूजम श्री धर्म पादपम मनोभव महादंती मनुष्याणाम निरंकुश, ऐसा कहा। सुनो, मनोभव का अर्थ काम होता है, मन से उद्भवती यह स मनोभव कहा, मन में उत्पन्न होने वाली वासना होती है उसको काम बोलते हैं उसको, और वासना रूपी मनोभव अर्थात काम रूपी हाथी वह क्या कर रहा है,
निरंतर को उखाड़ रहा है। निरंतर आराधना करने योग्य जो धर्म है, उस धर्म रूपी वृक्ष को कौन उखाड़ रहा है? मनोभव अर्थात काम रूपी हाथी उसको उखाड़ रहा है। निरंकुश सन, अंकुश नहीं उसके ऊपर, नियंत्रण नहीं है। सोचो, विचार करो, इसके माध्यम से सांसारिक सुख नहीं मिलता, बल्कि ऐसी दशा हो रही है संसारी प्राणी की वर्तमान में, यंग अवस्था में ही उसका शरीर रुग्ण हो रहा है, शरीर क्षीण हो रहा है। यंग अवस्था में भी ऐसा लगता है कि वृद्धा अवस्था को प्राप्त हुआ है। ये किसका परिणाम है? ये अतिरेक राग का परिणाम है। टेलीविजन और मोबाइल के माध्यम से जो अनर्थ घटित हो रहा है, उस अनर्थ से अपने बच्चों को बचाने का पुरुषार्थ करिएगा। माता पिता का यह परम कर्तव्य और दायित्व माना जाता है, छोटे छोटे बालकों के ऊपर धर्म का संस्कार देना चाहिए। धार्मिक संस्कार न दे करके संसारी प्राणी उन छोटे बच्चों के हाथ में वह मोबाइल दे रखा है। सोचो, विचार करो, वह बालक कहाँ पहुंचा है, किस स्थान पर पहुंचा है, किस व्यक्ति के साथ उसका संबंध किस ढंग से हो रहा है, वह आपको कोई ज्ञात है, आपको कोई जानकारी है, आपको कोई समाचार प्राप्त है, कोई खबर है? और अखबार पढ़ते हो और आपको खबर नहीं। सोचो, विचार करो, लेकिन दृष्टि मात्र भौतिकता के चकाचौंध में वो डूबना चाहता है और अपने संतान को, अपने बालकों को वो पढ़ाने के लिए कहां पर भेज रहा है? महानगरी में है तो भी उसका मन उसमें, उस महानगरी में पढ़ाने का नहीं, किंतु आउट ऑफ कंट्री में जाकर के हमारा बालक पढ़ेगा, फेमस होगा डिग्रियों के माध्यम से। ऐसी कौन सी डिग्री मिल रही है तुम्हें? कोई केवल ज्ञान तो नहीं हो रहा है? बहुत बड़ी डिग्री लेकर के आ रहे हैं आप, लेकिन है ऐसी मानसिकता है। वहां पर जाकर के यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि में जाता है, वहां का वातावरण देख करके ऐसा लगता है कि कैसा दुर्भाग्य है इस जीव का कि सच्चे देवगुरु शास्त्र मिले हैं, उनके चरणों को छोड़ करके, धार्मिक वातावरण को छोड़ करके, जहां पर ऐसे स्थान पर जाकर के वह अध्ययन करना चाहता है, विद्या अध्ययन करना चाहता है, वह विद्या नहीं है, वह अविद्या मानी जाती है। हाँ, वह अविद्या मानी जाती है कि एक प्रसंग एक कारिका के माध्यम से रख रहा हूं। एक पंडित जी हुए हैं, उन्होंने एक स्थान पर श्लोक के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया है कि अनाद्य विद्या दोषोथ चतुसंज्ञा ज्वरा तुरा शश्वत स्वज्ञान विमुका, शश्वत स्वज्ञान विमुका साघारा विषयोन्मुका। सागर अर्थात गृहस्थ जिसका हमेशा मुख विषयों की ओर हुआ करती है। क्यों? अनादिकालीन अविद्या रूपी दोष से उत्पन्न चार संज्ञा रूपी ज्वर से आक्रांत है यह विश्व, और यो क्या कर रहा है? शश्वत स्वज्ञान विमुखा, निरंतर आत्मज्ञान से विमुख होता हुआ चार संज्ञाओं से वह त्रस्त है, इस प्रकार वह स्वयं कह रहे हैं। और आप लोग विदेश में, विदेश को आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं विदेश क्षेत्र पहुंच गए हम?
कैसा लगता है आपको? सुनो, विदेश कहीं विदेह क्षेत्र के रूप में तो नहीं आ रहा आपकी दृष्टि में? आप वहां पर जाकर के करना क्या चाहते हैं महाराज? वहां पर इतना आनंद आता है कि कुछ पूछो नहीं। हम कहाँ पूछना चाहते हैं तुम्हें? तुम कह रहे हैं कुछ पूछो नहीं। हम कहाँ पूछना चाहते हैं? हम ना देखना चाहते हैं ना पूछना चाहते हैं। वहां पर केवल भौतिक सुख ही मिल सकता है वहां पर महाराज। वहां पर यहां पर भारतीय देखो, भारत चारों ओर घूमते हैं तो नाली देखने में आते हैं हमें, और वहां पर विदेश में एक तिनका भी नहीं मिलता और सारे सारे रोड क्लीन मिलते हैं। अच्छा ठीक है भैया, रहो आपकी इच्छा, किंतु इस मन रूपी नाली में क्या क्या कचरा भरा हुआ है वो किसी को भी ज्ञात नहीं है, ये ध्यान रखो। मन को आचार्य महाराज ने श्वान की उपमा दी है, मन को श्वान की उपमा दी है उन्होंने, क्योंकि मान लो किसी ने श्वान अर्थात कुत्ता जिसने पालन कर रखा है, मान लो पाल रहा है, और वह क्या करता है, उस कुत्ते के लिए मिठाई खिलाता है, है? और गले में पट्टा बांध दिया है, लेकिन जिस समय वह गले का पट्टा निकल जाए तो वह पट्टा वहीं पर जाता है, कहां पर, जहां पर गंदगी बह रही है, नाली के पास जाकर के वह सूंघता है। क्यों? ये आदत है श्वान अर्थात कुत्ते की, उसी प्रकार इस मन की आदत है। और स्वयं आचार्य महाराज अपनी कृति में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पढ़ा है आपने, पढ़िए आप, निजानव शतक में वो लिख रहे हैं कि क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता, स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पे श्वान सा मन सदा मल शोध लाता। सोचो 20-22 साल की उम्र में इस कृति को उन्होंने लिखा है, और हम ज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, आचार्य कहते हैं वीतराग विज्ञान की बात करो, बार बार मन बाहर दौड़ जाता है, क्यों पता नहीं पड़ता, क्या हो गया समझ में नहीं आता। स्वयं आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि बार बार आवश्यकों का पालन हम करते हैं, श्रमण अपने आवश्यकों का पालन करने के लिए रात दिन रत रहता है, इसके उपरांत भी थोड़े क्षण के लिए यदि स्वाध्याय और ध्यान से यदि मान लो हम फ्री हो जाते हैं तो बस मन पुनः वहीं पर चला जाता है जहां पर नहीं जाना चाहिए। महाराज हम क्या करें? जब श्रमण की यह स्थिति दशा हो सकती है तो आम आदमी की क्या दशा होगी, सोचो विचार करो। इसलिए हमें ज्ञान के माध्यम से पंचेंद्र की विषयों का उपभोग नहीं करना है, किंतु ज्ञान के माध्यम से हमें किसका, उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करने के लिए अवसर मिला। 5 इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति ही सही ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होता है। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 इंद्रियों के माध्यम से विषय ग्रहित हो जाते हैं और उसके माध्यम से ही वह वासना जागृत होती है और निरंकुश सन वह मन रूपी वह काम रूपी हाथी वह किसी के नियंत्रण में नहीं है। वो इसके उपरांत भी संसारी प्राणी अपने आप को जागृत नहीं कर पा रहा है, मन किधर जा रहा है,
उधर ही जाता जहां नहीं जानना चाहिए। प्रभु के चरणों में जाने के उपरांत जो परिणामों में उज्ज्वलता आती है, जो निर्मलता आती है और आस्था और अटूट जागृत होती है, मैं पूछना चाहता हूं, क्या टेलीविजन के सामने ऐसा संभव है? नहीं संभव। और छोटे छोटे बालक भी शिकार हो चुके हैं मोबाइल के। वहां पर उस मोबाइल में अश्लीलता के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता। मैं पुराना जो कल्चर, जो माहौल था, लगभग 50-55 साल पुराना आपके सामने रखना चाहता हूं कि उस समय भी चित्र देखते थे, पिक्चर थे, किंतु उस समय के जो लोग थे, मैं उनको देखता था तो ऐसा लगता तो ये वृद्धि तो नहीं है। हाँ, ये वृद्धि तो नहीं है, इतना सात्विक जीवन और उच्च विचार, वो साल भर में बड़े मुश्किल से एक अथवा दो पिक्चर देखते थे, और वो भी शिक्षा प्रद यदि हो तो देखेंगे, नहीं तो उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। और कौन सी शिक्षा वर्तमान में मिल रही है? और पिक्चर अब घर घर पिक्चर है, प्रत्येक व्यक्ति की जेब में पिक्चर है, घर तो ठीक है, हाँ, दो जेब है, दोनों जेब में अब नोट दिखाई नहीं देते, मोबाइल ही रखा हुआ मिलता है जेब में। सोचो, विचार करो, रात खाते हुए भी मोबाइल बज रहा है, भोजन करने के लिए बैठे हैं और सामने टेलीविजन है। सोचो, विचार करो, कौन सा काल आ गया? काल कुछ नहीं करता, ये महाकाल है राग, ये ध्यान रखो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा वर्ल्ड है उसमें, पूरा संसार समाहित है, इसलिए वह राग नहीं, वह आग है, ये ध्यान रखो। आग से कम नहीं है वो, आग के द्वारा एक बार शरीर झुलस सकता है, किंतु यह अनंत कालीन जो आग है, इसको बुझाना कौन बुझा सकता है? इसको खेल थोड़ा ही है। इसलिए आचार्य कहते हैं, ये सब छोड़ो, अनंत काल से वासना संसारी प्राणी से लगी हुई है, और उसके चपेट में आकर के अपने जीवन को समाप्त कर दिया है। अभी भी उसको वंस मोर कहता, उसको तृप्ति हो नहीं रही। वह कभी भी अग्नि शांत नहीं हो सकती ईंधन के द्वारा। यदि अग्नि को समाप्त करना चाहो तो आचार्य कहते हैं, अत्रने परितपतित वन्नि स्वयमेव विलीयते। जहां पर ईंधन नहीं है, वहां पर यदि मान लो अग्नि जल रही है, कितने क्षण के लिए जलेगी? 2-5 मिनट के लिए जल करके वह समाप्त हो सकती है, परवश हो करके, पराधीन हो करके वह पल रहा है। वह धर्म, उसका नाम धर्म नहीं, किंतु सब कुछ विषय सामग्री मिलने के उपरांत भी उसको लात मार करके आगे बढ़ता है, वह उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण करता है। इसलिए भगवान की माता पिता जिस दिन संतान की उत्पत्ति हुई, उसी दिन वो संकल्पित हो जाते हैं, अब जीवन पर्यंत अब संयम के साथ रहेंगे। संयम के प्रति कितना अनुराग होगा उनका। और वर्तमान में देखो, संतान की उत्पत्ति नहीं चाहता, फल नहीं चाहता, किंतु वासना की पूर्ति करने में लगा हुआ है। आज वर्तमान में अनेक प्रकार के साधन मिल गए, और उसके माध्यम से वह संतान को भी नहीं चाहता। एकाध संतान हो जाए तो ठीक है, और उसमें भी लड़का हो तो ठीक है, नहीं है तो ओम शांति। समझ रहे हैं आप? ये सब क्या है? ये अहिंसा है, ए?
यदि वो लड़की है तो उसके प्रति दया का भाव नहीं। अब सोचो, विचार करो, और उसका यदि जन्म हो जाए तो आपको धर्म की ओर ले जा सकती है, हैं? जो गियर लाइन चल रहा है उसके माध्यम से लाइन मिल सकती है और उसके प्रति दया नहीं, अनुकंपा नहीं, करुणा नहीं, धिक्कार है इस प्रकार के संसार के लिए। आज देखने में आ रहा है क्या? नहीं, अपने मुख से बोलना अच्छा नहीं समझता। ये छुपी हुई बात नहीं है, ये आम बात है, और इसमें उसको भीतर एक क्षण के लिए भी संवेदनशीलता नहीं आती। संवेदन नहीं, हृदय में करुणा नहीं है, तो ऐसे वासना की पूर्ति का नाम यह कुशील माना जाता है, यह सुशील नहीं है। इंद्रिय विजय के माध्यम से दया धर्म की सार्थकता सिद्ध होती है, ये ध्यान रखो। जिसकी इंद्रियां काबू में नहीं, नियंत्रण में नहीं है, उसके द्वारा अहिंसा धर्म की आराधना न भूतो न भविष्यति कहा है। अब्रह्म के द्वारा अहिंसा की आराधना हम कर पाएंगे क्या? नहीं कर सकते। इसलिए अपने को अहिंसा की उपासना करनी है तो सर्वप्रथम वासना को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है, और उसके माध्यम से कुछ भी नहीं मिल रहा है। अकाल में काल कवलित हो रहे हैं, भयानक रोग हो गए हैं, ये सब क्यों है? ये मर्यादा का उल्लंघन करने का एकमात्र परिणाम है, उसके अलावा और कोई भी परिणाम नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने जो प्रकल्प सामने दिया है, कौन सा? प्रतिभा स्थली का। वह विद्यालय नहीं, वह विद्यालय का मंदिर है, विद्या मंदिर। मंदिर में प्रवेश करने से भाव में पवित्रता आती है, उसी प्रकार उस विद्या मंदिर में जाने से क्या मिलता है, कौन सा पाठ मिलता है? प्रत्येक व्यक्ति के परिवार में जो भी बालिकाएं हैं उस ओर भेजिएगा आप, ये आपका दायित्व है, क्योंकि उनको हजारों की संख्या में वो बालिकाएं हैं। कितने ब्रांच हो चुके हैं उसके प्रतिभा स्थली के? जबलपुर तो मेन सेंटर है, और इसके बाद इंदौर अलग है, रामटेक अलग है, ललितपुर अलग है, डोंगरगढ़ अलग है जिसको चंद्रगिरी बोलते हैं। इस प्रकार पांच स्थान ऐसे हैं जहां पर हजारों की संख्या में बालिकाएं बिल्कुल संस्कारित हो रही हैं, मात्र लौकिक शिक्षा नहीं मिल रही है, ध्यान रखो। इस प्रकार के बहुत सारे आप खोल सकते हैं, किंतु धार्मिक संस्कार के साथ विद्या अध्ययन कराना बहुत दुर्लभ हो चुका है आज की स्थिति, वर्तमान स्थिति में। और 300-400 संख्या में वो बहने आजीवन व्रत लेकर के, ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के, सोचो यंग एज की हैं, वृद्धावस्था नहीं देखो। और इस विषम परिस्थिति में युवा अवस्था में संसार को कुछ देखा नहीं उन्होंने, ये ध्यान रखो, किंतु संसार में रह करके किस प्रकार जीवन जिया जा सकता है इसका पाठ वो दे रही है। ये सब किसका परिणाम है? गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया है वह फल रहा है, उनका
जो वरद हस्त है वह काम कर रहा है। सोचो विचार करो, थोड़े बहुत भी शांति के साथ बैठ करके विचार करते हैं तो ऐसा नजर आता है वास्तव में संसार में कोई सार नहीं है, लेकिन फिर भी उसी में सार ढूंढने में लगा है, है? सार है उसमें, पशु सार में रहते हैं लेकिन वो सार पा सकते हैं वहां पर रह करके भी। सार बोलते ना है जहां पर पशुओं को बांधा जाता, गाय वगैरह उसको सार में बंधी रहती है वो गैया, किंतु वो आपसे भी सार सार खाती है, ध्यान रखो, क्योंकि शाकाहारी वह पशु है। और मानव को क्या हो गया समझ में नहीं आता, आजकल फास्ट फूड और ब्रेकफास्ट में ही फास्ट फूड लिया जाता है, है? ब्रेक लगा नहीं वो फास्ट है गाड़ी, हाँ, और फास्ट फूड ले रहे हैं और उसमें क्या मिलाया जा रहा है आपको ज्ञात है? वहां उसमें सब कुछ मिलाया जा रहा है। हम अपने मुख से कुछ भी कहना इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि सबको ज्ञात है। सब आप लोग आर्टिकल पढ़ते हैं, इसके उपरांत भी नजर अंदाज करके हो क्या गया जैनियों को हमें समझ में नहीं आता। कोई अदर बंधु है मान लो, उसे ज्ञात नहीं है और उसके अहिंसा के संस्कार नहीं है तो वह उस लाइन में जा रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु जैन कुल में पैदा होने के बावजूद भी इस प्रकार है, ये सब क्या है? कई बार उपदेश सुनने के उपरांत भी वह अपने जीवन को परिवर्तित नहीं करना चाहता, ये आधुनिक मानता है इसको, है? इसमें क्या आधुनिकता आ गई है? इसमें कौन सी आधुनिकता आ गई? गुरुदेव ने ये कहा था एक बार, अटप्रहरी घी से बनी हुई मिठाई इसको अच्छी नहीं लगती और सड़क पर जो क्या चाट चाट पकौड़े है वह पसंद करता है। उसमें क्या रखा है? भगवान ही मालिक है, है? है? वो महाराज करें उसी का नाम चाट है, वह चाट लेता है उसको, है? ये इसको बोलते हैं कविता। उसको चाट चाट करके ले लेता है, उसको क्या आनंद आ रहा है भगवान ही मालिक है, बहुत टेस्टीला मानता है वो, है? और ये शुद्ध जो है ना उसको मिठाई अच्छी नहीं लगती। इसी को लोग बोलते विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल जब आ जाता है, काल जब विनाश का आ जाता है, उस समय बुद्धि काम नहीं करती, करना चाहिए किंतु नहीं करती है। क्या कर सकते हैं हम? एक प्रसंग आपके सामने रखूं कि कबीर दास आपने पढ़ा होगा और उनके जीवन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, और वह सड़क से जा रहे हैं, साथ में बेटा भी है, और सड़क से जाते समय उस कबीर ने बच्चे को संकेत देते हुए कह रहे हैं कि देखो बेटा, देख लिया तुमने क्या पिताजी, देख लो इसको क्या चक्की चल रही है और दो पाट हैं उसके और उसमें सारे सारे धान पिस रहे हैं। इसी प्रकार राग और द्वेष के दो पाटन के बीच में पूरा संसार पिस रहा है। इस प्रकार उस कबीर ने अपने बेटे को कहा, लेकिन बेटा भी बहुत होशियार निकला, उसका नाम कमाल,
कमाल कर दिया उसने, और पिताजी को भी कहता है पिताजी आपने बहुत अच्छा दृश्य को दिखाया है, किंतु इसमें भी ये एकांत नहीं है, सारे सारे धान उन दो पाटों के बीच में पिस जाए, उस पिसने से बचने वाले भी धान होते हैं, जो कील का सहारा लेता है वह धान कभी भी पिस नहीं सकता, ये ध्यान रखो। जो मानस सरोवर में निरंतर वह पर्याय लहर उत्पन्न होती रहती है, आलम्बन ले और सत्य की उपासना करने से ही ब्रह्म में लीन होने का अवसर मिलता है। आप अनुवृत्ति बनो कोई बाधा नहीं, किंतु परिवार को संस्कारित करने के लिए संकल्पित होना चाहिए। ज्यादा कहने में बहुत समय हो जाएगा, इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि दया दम के लिए कारण है और दम त्याग के लिए कारण है और त्याग समाधि के लिए कारण है, ऐसा कहा आचार्य। दया दम त्याग समाधि निष्ठम नय प्रमाण प्रकृतांज सार्थम अदृश्य मन्यै अखिलै प्रवादै जन त्वदीयम मत मद्वितीयम। कहा हे भगवान आपका मत अद्वितीय है, क्यों? दया दम और त्याग और समाधि की निष्ठा वाला यह आपका मत है। दया की निष्ठा, दम की निष्ठा, त्याग की निष्ठा और समाधि की निष्ठा जिसमें है, ऐसा आपका मत अद्वितीय है, ऐसा कहा। अन्य अकेलई प्रवादे अदृश्यम, कहा अन्य जितने भी मत मतांतर है उनके माध्यम से ये आपका मत बाधा को प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए अद्वितीय मत है। दया का पालन करने वाला व्यक्ति कभी भी विषयों के साथ उसकी लंपटता नहीं रहेगी। विषय लंपटी व्यक्ति कभी भी दया धर्म का अनुपालन नहीं कर सकता, और दम जिसके अंदर है उसके अंदर ही त्याग की भावना जागृत होती है। जो अपने इंद्रियों को अपने मन को नियंत्रण में रखने वाला व्यक्ति ही विषय और कषाय को त्याग करने के लिए सक्षम सिद्ध होता है, और त्याग हो गया तो समाधि सामने आती है। लेकिन ये ध्यान रखो समाधि ऐसे नहीं होती है, समाधि आधि व्याधि और उपाधि से ऊपर उठी हुई परिणति है, आत्मा की परिणति जिसको समाधि बोलते हैं। साम्य भाव का नाम समाधि है, आधि का अर्थ शारीरिक रोग का नाम आधि है व्याधि है, और आधि का अर्थ मानसिक पीड़ा मानसिक व्याधि का नाम आधि, शारीरिक व्याधि का नाम शारीरिक रोग का नाम व्याधि, और उपाधि उपाधि का अर्थ अपने आप को वह सबसे महान साबित करने के लिए जिसके अंदर भाव जागृत हुए हैं, अपने आप को वह सबसे बड़ा मानना चाहता है, बड़े मानने की जो विचारधारा है उसका नाम उपाधि। उपाधि से प्रसन्न होता है वह समाधि से प्रसन्न नहीं होता। हमारे लिए उपाधि लगे है? है? उपाधि लगेगी तो व्याधि भी लगेगी, व्याधि से कम थोड़ी है। व्याधि के लिए औषधि है, दवा है, किंतु उपाधि के लिए कोई दवा नहीं। बंधुओं जितने भी हॉस्पिटल है विश्व के सभी हॉस्पिटलों में चले जाओ, किंतु उपाधि की दवाई नहीं मिल पाएगी उसको, क्योंकि ये मानसिक भूख है, मैं सबसे बड़ा, मुझे सब लोग मेरे चरणों में आ जाए, इस प्रकार की जो भूख रखने वाला व्यक्ति होता है वह उपाधि चाहता है,
किंतु समाधि इससे ऊपर उठी हुई चीज है। और साम्य भाव का नाम समाधि है, और समता में लीन रहने वाला व्यक्ति ही कि उपासना करता है, अन्यथा नहीं। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंद मानस्य ममास्तु देवे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।